हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी सीरीज़ की जिसमें हज़ारों साल पहले की गई भविष्यवाणी को सच होते हुए दिखाया जा रहा है। अपोकोलिप्स को लेकर एक नॉर्डिक प्रोफेसी की गई थी कि जब ह्यूमन मॉरल नेग्लिजेंस पीक पर आ जाएगा तब आएगा रैग्नारोक। और इस समय जो एनवायरमेंटल क्राइसिस चल रही है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, वो इसको बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है। सो माइथोलॉजी और कमिंग ऑफ एज ड्रामा का अच्छा मिक्स इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। सीरीज़ का नाम है रैग्नारोक और इसका फर्स्ट और सेकंड सीजन आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ये हिंदी में भी अवेलेबल है। इन दोनों ही सीजन में आपको 6 एपिसोड्स देखने होंगे जिनका रन टाइम 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के आसपास का है। इसका थर्ड सीजन जो इसका फाइनल सीजन होगा कमिंग थर्सडे को आने वाला है। सो इस पूरी सीरीज के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर द सीरीज रैग्नारोक, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, सीजन 1 और 2 की कहानी को कंप्रेस फॉर्म में बताते हैं तो हिस्ट्री और माइथोलॉजी न जाने कितनी ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है जो आगे आने वाली जनरेशन के लिए वार्निंग जैसी हो सकती है। जरूरत है बस उन्हें मॉडर्न कंटेक्स्ट में समझने भर की, जिसे इस सीरीज में अच्छे से किया जा रहा है। ये रैग्नारोक की बात करती है और इस समय जो हमारा रवैया अपनी पृथ्वी की तरफ है वो सफिशेंट है वो रैग्नारोक लाने के लिए। ये रैग्नारोक यहाँ पर एनवायरमेंटल क्राइसिस और क्लाइमेट चेंजेस के फॉर्म में दिखाया जा रहा है। कहानी के हिसाब से जायंट्स हैं जिन्हें एजेंट्स ऑफ क्योस कहा जाता है। ये एंशियंट गॉड्स भी रहे हैं जो यहाँ पर थॉर, ओडिन और लोकी दिखाए जाएंगे, जिन्हें मार्वल ने बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया है और उनकी कहानी भी ऑलमोस्ट यहाँ पर वैसी ही है। थोड़ा एक्स्ट्रा एडप्ट किए गए हैं, आप उनको थोड़ा और करीब से जान पाएंगे क्योंकि ये एक नॉर्वेजियन सीरीज है तो जो माइनर डिटेल्स मार्वल में नहीं दिखाए जाते हैं वो भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो उनसे पहले के ये गॉड हैं जायंट्स, तब लोग इनको पूजा करते थे लेकिन इस समय ये बिल्कुल भोग के फॉर्म में चल रहे हैं, पृथ्वी का विनाश कर रहे हैं। इन्हें कॉरपोरेट जायंट्स के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है। ये फैक्ट्रीज लगा रहे हैं और एनवायरमेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो गॉड्स हैं वो ह्यूमन के फॉर्म में रीइनकार्नेट हुए हैं और एक इंसान को जिस जिस पीड़ा से गो थ्रू होना पड़ता है उससे ये गॉड्स गुजर रहे हैं। उन्हें अपनी शक्तियों का पता नहीं है, घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उन्हें धीरे धीरे अपनी चीज़ों को रियलाइज करना है। तो माइथोलॉजी को और मॉडर्न कंटेक्स्ट को बहुत अच्छे से अमालगमेट किया गया है। इवेंट्स अच्छे चलते हैं, इंटरेस्टिंग चलते हैं लेकिन कहीं कहीं पर उतार चढ़ाव आता रहता है। तो इस सीरीज में मुझे क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं मैं आपको बताने वाली हूँ। जो पहला पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ में लगा है, यहाँ पर दिखाए गए हीरोज और विलन्स बहुत ज़्यादा बिलीवेबल हैं। जिस मॉडर्न कंटेक्स्ट में वो दिखाए जा रहे हैं तो वो माइथोलॉजी से उठाए गए हैं, स्टिल बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। हीरो यहाँ पर मेकिंग के प्रोसेस में हैं, उन्हें अपनी शक्तियों का नहीं पता, वो प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं और विलन्स बड़े ही वेल स्टैब्लिश्ड हैं, सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने में लगे हैं। जो आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से सेल्फिश और एपथी वाले लोग दिख जाते हैं बड़ी ही आसानी से, और जायंट्स उन्हें बहुत अप्रोप्रिएट नाम दिया गया है, आपने कॉर्पोरेट जायंट्स ज़रूर सुना होगा। सेकेंड पॉजिटिव विल बी जो शो की टाइमिंग है वो बहुत अप्रोप्रिएट है। रैग्नारोक का जो कारण दिखाया जा रहा है, एनवायरमेंटल क्राइसिस और क्लाइमेट चेंजेस, वो बहुत ही इस समय अप्रोप्रिएट लगते हैं क्योंकि आप किसी भी एंगल से देख ले हमारा रवैया जो अपनी पृथ्वी की तरफ है वो सफिशिएंट है हमारा अंत करने के लिए, एपोकलिप्स लाने के लिए, रैग्नारोक करने के लिए। थर्ड पॉजिटिव विल बी सिनेमेटोग्राफी इज ब्रिलियंट। जो यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी दिखाई जा रही है उसे कैप्चर किया गया है और जो हमने उस ब्यूटी के साथ किया है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खड़ी हुई हैं, धुआं फॉग उसकी वजह से जो सारी कालिमा छाई है उसे भी अच्छे से कैप्चर करके दिखाया गया है। तो दोनों जो कंट्रास्ट इमेजेस हैं, क्या था और क्या हो गया है, किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं, उसे अच्छे से दिखाया जा रहा है। सो कूडोस फॉर दैट। फोर्थ पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर टीनेज ड्रामा के फॉर्म में ये सीरीज़ दिखाई जा रही है तो जो लोग नॉर्डिक माइथोलॉजी से परिचित नहीं हैं, थॉर, ओडिन, लोकी को नहीं जानते हैं, उनको भी ये सीरीज़ आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो धीरे धीरे समझ ही जाएंगे आखिर चल रहा क्या है यहाँ पर। अगर ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, सो फर्स्ट ड्रॉबैक का यहाँ पर साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आपका जो इमोशनल टच है कैरेक्टर्स के साथ वो कहीं कहीं पर छूट जाता है। सो इमोशंस बहुत ही फ्लक्चुएटिंग लगते हैं और समझ ही नहीं आता है कि कैरेक्टर ये क्यों सोच रहा है। ऐसा एक बार नहीं होता है, ऑफनली होता है यहाँ पर, जो एक मेजर ड्रॉबैक मैं कहूँगी। देन सेकेंड थिंग विल बी, देखिए कहानी डेडली स्लो है, जो लोग फास्ट देखना पसंद करते हैं वो इसे टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है क्योंकि एक नॉर्वेजियन सीरीज़ है, इसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया गया है, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, तो जिन्हें सबटाइटल पढ़ना है कि एक्चुअली चल क्या रहा है उनके लिए आराम आराम से आप सबटाइटल पढ़ सकते हैं अगर आप नॉर्वेजियन में भी देखना चाहें, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में जो बोल रहे हैं, ऑडियो दिया जा रहा है, वो कुछ का कुछ है कहीं कहीं पर। ये मेजर प्रॉब्लम है जो मैंने देखी है, नॉर्वेजियन लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला भी है।
इसे 13+ पीपल आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर कोई अडल्ट सीन्स नहीं है, एक दो न्यूडिटी के सीन्स हैं जो रिचुअलिस्टिक हैं। बाकी मैं इस सीरीज़ को दूंगी 7.5 out of 10। कहानी मैसेज बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे एक बढ़िया तस्वीर को गंदी आउटलाइन करके थोड़ा उसकी जो खूबसूरती है कम कर दी जाती है, वैसे ही यहाँ पर जो स्लो पेस दे दिया गया है और कैरेक्टर जो इमोशंस हैं वो कहीं कहीं पर इतने फ्लक्चुएट करते हैं, वो सुंदर सी तस्वीर डिस्टॉर्टेड हो जाती है। इस वजह से 7.5 दे रही हूँ, नहीं तो कहानी के बेसिस पे इस सीरीज़ को आराम से 8.5 दिया जा सकता था। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।